हाथरस में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा, चार बदमाश गिरफ्तार, कई पिस्टल, तमंचे और अवैध हथियार बनाने के उपकरण मिले। हाथरस में पुलिस ने आज चार बदमाशों को गिरफ्तार कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने वहां से बने और अधबने अवैध पिस्टल, तमंचे, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। हाथरस में पुलिस को ये जानकारी मिली कि कुछ छात्र बदमाश गांव मनसिया के जंगल में एक नलकूप की कोठरी में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का संचालन कर रहे हैं। इस सूचना पर सादाबाद कोतवाली पुलिस के अलावा एसओजी की टीम भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने घेराबंदी कर वहां से चार बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस को मौके से दो पिस्टल, एक तमंचा, एक पौनिया, अधबने तमंचे और अवैध शस्त्र बनाने के काफी उपकरण बरामद किए। अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों से जब पूछताछ की गई तो इन बदमाशों ने बताया कि वह यह अवैध असलाह बनाकर उनकी बिक्री करते हैं और जो रुपया मिलता है उसे आपस में बांट लेते हैं। सादाबाद के रहने वाले चारों बदमाश पकड़े गए बदमाशों ने अपना नाम मुनेश, सादाब, सोहेल बताए हैं। पकड़े गए बदमाशों में सद्दाम शातिर किस्म का अपराधी है और उस पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। अवैध शस्त्र फैक्ट्री के मामले में पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध अभियान के क्रम में आज थाना सादाबाद पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में एक अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से दो पिस्टल 32 बोर, एक तमंचा 315 बोर, एक पौनिया 12 बोर और एक तमंचा अर्धनिर्मित 315 बोर का बरामद हुआ है। इनके साथ तीन खोखे भी बरामद हुए हैं और इनके पास से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने वाले हथियार, उसके सामान बरामद किए गए हैं और इनमें से एक अभियुक्त सद्दाम का आपराधिक इतिहास है और इनसे पूछताछ में जानकारी मिली है कि ये इसी तरह जो है शस्त्र बनाकर बिक्री करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। कितने समय से ये जो फैक्ट्री वहाँ पे चल रही है? ये काफ़ी समय से कर रहे हैं ये काम। ये किन किन जगहों में ये अभी इनसे पूछताछ चल रही है लेकिन अभी इन्होंने कोई इस तरह का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये काम काफ़ी समय से कर रहे थे। हाल ही में यहाँ पे चुनाव हुआ है, क्या इनके द्वारा कोई चुनाव में हानि पहुँचाने की सप्लाई दी जाएगी? नहीं, ये इनका निरंतर चल रहा था और चूँकि गतिविधियाँ तेज हो गई थी बीच में तो ये अपना काम थोड़ा दबे उससे कर रहे थे। आज इनके द्वारा जो इस प्रकार के शस्त्र बनाते समय ही इनकी गिरफ्तारी की गई है। किस जगह से गिरफ्तारी की गई? ये थाना सादाबाद के मनसिया के जंगल में एक ट्यूबवेल की कोठरी में ये इस तरह का काम कर रहे थे। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।